24 घंटे के अंदर हुए एक और अग्निकांड में एक वृद्धा की मौत हो गई, जहां करीब 25 लाख का नुकसान हुआ है। वहीं आग दूसरी मंजिल में फंसे बच्चे को छत से कपड़े में कैच कर रेस्क्यू किया गया। डेंजरस रेस्क्यू सीसीटीवी में कैद हुआ है। अग्निकांड की ताजा घटना भेजोई थाना के नया बाजार की है, जहां गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग के धुएं में दम घुटने से गोदाम स्वामी की 65 साल की मां की मौत हो गई। वहीं गोदाम के ऊपर रह रहे गोदाम मालिक के 8 साल के पुत्र को छत से चादर में कुदाकर रेस्क्यू कर उसे बचाया गया। रेस्क्यू की साहसिक और डेंजरस तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। आज अपने पड़ोस में आग लगी है, आग का कारण क्या है और कैसे आपने जो इनके परिजनों की जान बचाई? ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, ठीक है। और जिस समय मैं बाहर आया, हमारे गार्ड साहब थे वो शुरू से ही लगे हुए थे, उसमें पानी वगैरह ऐसे वो आग बुझा रहे थे। उन्होंने फ़ोन करा तो मैंने आके देखा कि इनके माँ बाप तो और बच्ची तो छत पर जीना खोल कर ऊपर चले गए, पर वो बच्चा फंस गया था। वो बच्चा बाहर खड़ा था, तो हम लोगों ने तुरंत 3-4 लोगों ने मोहल्ले में ही चादर का इंतजाम करा, गद्दे का इंतजाम करा और उस बच्चे को उससे कुदा कर उसकी जान बचाई। वो बच्चा सुरक्षित है, पर उनकी एक जो बूढ़ी माँ थी जो दोनों आँखों से देख नहीं सकती थी, उनकी हादसे में झुलस कर घुटने से मौत हो गई। अच्छा, कितना नुकसान हो गया लगभग अंदाजा? नुकसान तो काफ़ी माल था, ये लोग जैसा काम करते थे बनाने का रूप वगैरह, तो अच्छा खासा नुकसान हुआ। सुबह ये जानकारी मिली कि थाना भेजोई कस्बा भेजोई के अंतर्गत एक मकान में नीचे बने गोडाउन में आग लगने की वजह से पूरे घर में धुआं भर गया। पुलिस और दमकल के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण किया गया, लेकिन इसमें दुर्भाग्यवश उस परिवार में एक महिला की दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। पंचनामा और पोस्टमार्टम की वैधानिक कार्रवाई के साथ आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, आग लगने के कारण क्या है? जो प्रारंभिक जानकारी है, जो प्रारंभिक जाँच है, उसके हिसाब से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है।